प्रदेश के मऊगंज जिले में इन दिनों चोरों का बोलबाला चल रहा है। चोरों के द्वारा लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। चोरों को पकड़ने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला मऊगंज थाना अंतर्गत दामोदरगढ़ का है, जहां संत दास पाठक के घर पर 4 अक्टूबर की रात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिस पर पीड़ित के द्वारा मऊगंज थाने में पहुंचकर नामजद आवेदन दिया गया, जिस पर चोरों के द्वारा पीड़ित पक्ष को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की कार्रवाई ना होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद है और पीड़ित परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार डर के साए में दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। तो हमें बोला कि हाँ, जैसे कहा था कि हमारे हिसाब से क्या नाम है? हमारा नाम संत दास पाठक है। दामोदरगढ़ के हम निवासी हैं। मऊगंज हमारा जिला हरमना तहसील है। क्या घटना हुई है? हमारे यहाँ 4 अक्टूबर को लगभग 1 बजे रात को अरुमेश पटेल उर्फ झलांगी, उसका छोटा भाई झल्लू उर्फ आर्मेंद्र पटेल और उसका जीजा बड़ा बाला और 2 आदमी और थे, हमारी पतोहू और औरत जिनको नहीं पहचान पाई थी, हम और हमारा बड़ा बालक हम पुराने घर में चले गए थे और ये घर सड़क के किनारे नया है जिसमें हम लोग 4 साल से आबाद हैं। और 3 तारीख को रात को हमारे गांव से 4 मोटर चोरी चले गए थे, तो हमारा वहाँ पर पुराना मकान है, खेती बाड़ी है, तो हम लोग बोले कि चलो हो सकता है साले रात को हमारा भी मोटर न ले जाए तो हम लोग वहीं रहेंगे। तो हम और बड़े बालक वहाँ चले गए और ये लोग हमारे घर में घुसे, अरुमेश पटेल और झलांगी और झल्लू पटेल उर्फ अमरेंद्र और हमारे पतोहू ने उनको और औरत ने उनको भगाते देखा। बाद में उन्होंने अपना सामान देखा तो 1 सोने का मंगलसूत्र और 1 सोने का लेडीज चैन और 3 नाक की फुलिया सोने की, 1 छागल और 1 पायल, ये लोग लेकर के फरार हो गए। हम थाने में आ करके 4:30 बजे रात में थाना में पहुँचे। वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं था, थाना शून्य था। इसके बाद एक आदमी आया पांडे करके तो मुझे कहा कि एक तुम हस्तलिखित आवेदन दो। मैंने आवेदन दिया, वो रिसीविंग नहीं दे रहा था किसी कदर। मैंने उनसे लड़ भी झगड़ करके रिसीविंग लिया और घर चला गया और बोला 9 बजे कल आ जाना तो तुम्हारा FIR हो जाएगा पक्के से। और जब मैं 9 बजे यहाँ थाने पर पहुँचा तो सत्येंद्र सिंह पर्यवेक्षक जो हमारे मुकदमा के थे तो वो घर जा कर के जांच तफ्तीश किए, गांव के रमाकांत पटेल और गांव के अन्य लोगों से भी पूछताछ किया और अपने मनमानी ढंग से उन्होंने अपने फाइल तैयार किया, उनका लेख पंजीबद्ध किया। फिर हमको बुलाए कल रात को कि 8 बजे आ जाओ और यहाँ समझौता कर लो। हमने कहा 8 बजे रात को हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि पानी बरस रहा, दूसरी बात यह है कि चारों तरफ से हमारे दुश्मन हैं तो आपको कुछ हो जाएगा उसकी जवाबदारी कौन लेगा, इसलिए मैं थाने पर नहीं आया। आज 5 तारीख को मैंने थाने पर आया, वो हमको गाली गुप्ता असभ्यता का व्यवहार किया और बोला प्रदीप विधायक का हमारे ऊपर कई बार फोन आ गया, दबाव है, हम आपकी FIR नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग कहाँ कहाँ शिकायत किए? अभी तक हम लोग कहीं शिकायत नहीं किए हैं, आपके थाने तक ही सिर्फ थाने तक हैं। अब आपके माध्यम से हम
उचित कार्रवाई की मांग चाहते हैं।